उत्तरायण आई है और हम लोग मूंगफली चिक्की बनाएंगे। थोड़ी डिफरेंस तरीके से बनाएंगे, जो हर टाइम बनाते वैसा नहीं बनाएंगे। लुक थोड़ा चेंज होगा, खाने में वही टेस्ट होगा और एकदम बढ़िया परफेक्ट माप से हम बनाएंगे। कैसे वो मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आपने परफेक्ट माप से बनाया तो आपकी चिक्की बहुत ही बढ़िया बनेगी। आप देख सकते हो कि उत्तरायण के लिए मैंने एकदम बढ़िया से तैयारी करके रखी है। छोटे बच्चे का बहुत ही बढ़िया फिरकी और पतंग है, उसके साथ हम बच्चे को भी एंजॉय करवाएंगे। तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरा एंड तक देखना। यम्मी कुक में आपका स्वागत है, मैं हूँ छाया। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 कप मूंगफली लिया है और 1 कप गुड़ ले लिया है। यही परफेक्ट माप से आप बनाओगे तो आपकी चिक्की पहली बार भी बनाते होगे तो एकदम बढ़िया बनेगी। यहाँ पे मैंने मूंगफली ले ली है, इसको हम रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम करीब 5 से 6 मिनट तक इसको रोस्ट करेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज होगा, थोड़ा सा उसके छिलके निकलने लगेंगे, तो समझना कि ये मूंगफली हमारी रेडी हो गई है। तो इसको मीडियम फ्लेम पे ही हम पकाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि एकदम बढ़िया से सब जगह पे अच्छे से पक जाएगी ये। तो यहाँ पे छिलका हम देखेंगे कि निकला है कि नहीं निकला है। अगर टाइम है तो आप एकदम बढ़िया से इसको सेकोगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अभी ये रेडी हो गया है, उसको थोड़ा सा मैं निकाल के थोड़ा ठंडा किया है मैंने, और उसको अच्छे से हम लोग पूरा छिलके निकाल देंगे। तो हमको धीरे धीरे करके करना है क्योंकि इसमें घिरने का चांसेस रहता है। अगर आपके पास बड़ा वाला नेपकिन है तो आप पूरा डाल देना, लेकिन थोड़े थोड़े करेंगे तो फटाफट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़े थोड़े लिए हैं। तो वैसे ही हम सारे छिलके आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये निकल गया है, अभी इसको एक झारा है मेरे पास, उसकी मदद से हम छिलका निकाल देंगे। फ्रेंड्स, इसमें कचरा भी नहीं होगा और आप आसान तरीके से इसको निकाल सकते हो छिलके को। तो फ्रेंड्स, एकदम नया तरीका है, और आप छिलके कैसे निकालोगे, बहुत ही गंदा घर हो जाता है, लेकिन ऐसे करोगे तो आपका एकदम बढ़िया से छिलके भी निकल जाएंगे और घर में कचरा भी नहीं उड़ेगा। अभी ये रेडी हो गया है, अभी इसको मैं क्रश कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे मेरे पास क्रशर है तो इससे मैं करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप कटोरी, या तो हम मैश करते हैं पोटैटो, उससे भी कर सकते हो। तो वैसे ही हम क्रश करेंगे तो सिंगदाना एक में से 2 भाग भी हो जाएंगे, और हमको ज़्यादा क्रश नहीं करना है। तो मैं ऑलमोस्ट रेडी कर दिया है मैंने इसको। उसके बाद एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम गुड़ डाल देंगे। तो मैंने जो माप का लिया है वही लिया है। इसके साथ 1 स्पून हम पानी डाल देंगे ताकि गुड़ अच्छे से पिघलने लगेगा। तो हमको बड़े बड़े गुड़ नहीं लेना है, उसको थोड़ा बारीक काट के ही ले लेंगे। तो ये ऑलमोस्ट हम रेडी कर दिया है, अभी इसको हम थोड़ा उबालेंगे। तो इसमें चेक करके ही हमको करना पड़ेगा, अगर ये कच्चा रहेगा तो हमारी चिक्की खींचेगी तो खाने में टेस्टी नहीं बनेगी। तब मार्केट वाली जो चिक्की बनाते हैं वैसे ही चिक्की आज हम घर पे बनाएंगे, और ऐसा इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिससे हमारी चिक्की लॉन्ग टाइम तक भी अच्छी रहेगी। तो पूरा वीडियो स्किप किए बिना देखना। तो मैंने चाशनी बनाने के लिए रख दी है, अभी मैं पानी की कटोरी लूँगी और इसमें चेक करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम चेक करते रहेंगे ताकि बहुत ज़्यादा पकनी भी नहीं चाहिए चाशनी, और बहुत कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए। ये अभी बहुत टाइम है तो हम इसको वापस पकाएंगे। थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है तो मैं देखूंगी। तो यहाँ पे ये भी अभी थोड़ी खींच रही है तो मैं इसको वापस पकाऊंगी, थोड़ी कच्ची है ये। तो यहाँ पे हम वापस इसको चलाते रहेंगे, इसको छोड़ना नहीं है हमको। तो ये हमारी सिंगदाने की चाशनी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, क्योंकि इसका कलर भी चेंज हो गया है और एक अच्छे से स्मेल आ रही है। वापस हम चेक करेंगे तो अभी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। आप देख सकते हो ये तुरंत ही निकल भी गई है और ये टूट भी रही है, मतलब मैं अच्छे से ये रेडी हो गई है। अभी मैं यहाँ पे खाने का सोडा डालूंगी। मैंने आपको बोला था कि ये लॉन्ग टाइम रहेगा, तो इसके लिए मैंने आज ये सोडा डाला है। जो खाने का सोडा होता है वही मैंने डाला है, तो उससे क्या होगा, हमारी लंबे टाइम तक चिक्की अच्छी रहेगी। तो ये ज़रूर से ऐड करना, और मार्केट में जो मिलती है वो भी इसमें मिक्स करके ही देते हैं, तो एकदम बढ़िया हमारी चिक्की रेडी हो जाती है। तो इसके अंदर मैंने मूंगफली डाल दी है,
और अभी इसको मैंने मिक्स कर दिया था। अभी हम एक यहाँ पे मेरे पास रिंग है तो उसके अंदर मैं डाल के अलग शेप से बनाऊंगी। तो मार्केट से थोड़ा अलग शेप देंगे और एकदम बढ़िया टेस्ट आएगा। यहाँ पे ना तो बेलने की झंझट है ना कुछ भी नहीं है और ये फटाफट बन जाती है। तो मैंने देखो बना के रेडी कर दिया। अभी दूसरी भी मैं ऐसे ही रिंग बनाऊंगी। तो यहाँ पे वापस मैं रिंग लूँगी और इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दूँगी और इसके साथ हम वापस एक स्पून डाल देंगे और इसको प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से ये हमारी वापस गोल वाली चिक्की बन के रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो एकदम बढ़िया लुक आता है खाने में, तो वो टेस्टी होता ही है। तो वैसे ही मैंने सारी चिक्की रेडी कर दी है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लुक लग रहा है। ना तो बेलने की झंझट है ना कुछ भी नहीं है और आप फटाफट ये बना सकते हो। फ्रेंड्स पे मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है और इसको बीच में रख के थोड़ा सा बेलन घुमा दूंगी मैं और थोड़ी हाथ की प्रेस करते करते हम लोग एकदम बढ़िया से इसका शेप दे देंगे ताकि ये अच्छे से हम स्क्वायर में बना सकते हैं। तो थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो मैंने इसको बेल दिया है। ऊपर से हम थोड़ा सा नारियल बड़ा वाला जो आता है वो डाल देंगे ताकि बाहर जो लुक आता है वैसे ही हमारे चिक्की में लुक आ जाएगा और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो ये डाल के मैंने थोड़ा बेलन घुमा दिया है और उसके बाद इसका हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं कटिंग करके रख दूँगी। तो लुक वाइज यम्मी टेस्टी ऐसी हमारी चिक्की रेडी हो गई है फ्रेंड्स। अभी इसको हम सर्व भी करेंगे। तो मैंने कटिंग के कर दिए, साइड का थोड़ा ज़्यादा है तो मैंने निकाल दिया है, इसको स्क्वायर में शेप दे दिया है ताकि एकदम बढ़िया शेप में आ जाएगा। तो इसको निकाल दिया है मैंने। अभी हम सारा कटिंग वापस कर देंगे ताकि एकदम बढ़िया से ये कटिंग हो जाएगा। अभी इसको सर्व कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है और इसको सर्व कर देते हैं। तो लुक आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, तो खाने में इतना टेस्टी है। बच्चे को थोड़ा डिफरेंस तरीके से मैंने सर्व किया है क्योंकि बच्चे उत्तरायण के दिन ये चिक्की नहीं खाते हैं। अभी आजकल के बच्चे को जंक फूड अच्छा लगता है, तो अगर आप ये शेप में बना के खिलाओगे तो बच्चे खाएंगे, थोड़ा डिफरेंस लगेगा। और हमने इसमें कोकोनट नहीं डाला है तो बच्चे खुशी खुशी खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं सब सर्व कर दूँगी और इसके साथ हम लोग फिरकी और पतंग भी रखेंगे। तो यहाँ पे हैप्पी उत्तरायण, देख रहे हो ना लुक, उत्तरायण का फीलिंग आ रहा है ना फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।